हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके का एक नए टॉपिक, जिसका नाम है झारखंड का नामकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसके दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से झारखंड के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के विषय में जानते हैं, झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण यानी कि झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें प्रथम झार, झार का अर्थ होता है वन, और दूसरा खंड, खंड का अर्थ होता है भूभाग। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से मिलता है। तथा इसका सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में भी मिलता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया है। टोलमी ने जिसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, टोलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है।
फाहियान ने छोटा नागपुर को कुकड़ लाड नाम से संबोधित किया है। हवेन सांग ने छोटा नागपुर को किलो ना सु फा ला ना से संबोधित किया है। झारखंड का नामकरण बहुत से यानी कि प्राचीन इतिहास में अलग अलग ग्रंथों शासकों तथा विदेशी यात्रियों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है और इस प्रकार से आगे इससे आगे और बताएंगे। तब तक के लिए इसे नोट करते जाएं। हवेन सांग ने राजमहल क्षेत्र को चिंग काई ला नाम से संबोधित किया है। तथा इसके पहाड़ी अंचल को दामिनी को नाम से संबोधित किया है। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा नाम दिया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरुंड
नाम दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में इस क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित किया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिन देश कहा गया है। अबुल फजल की कृति अकबरनामा जो अकबर के दरबारी कवि थे। अबुल फजल की कृति अकबरनामा में झारखंड नाम से संबोधित किया गया। तजुके ये जहांगीरी जो जहांगीर के आत्मकथा थे, तजुके जहांगीरी में इस क्षेत्र को कोकरा या खंकारा नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड के नामांकन के विषय में देखा। अब आगे हम लोग कल के वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।